सुप्रीम कोर्ट ने 8 गुनाहगारों की फांसी पर 4 हफ्तों की रोक लगाई है। कोर्ट के मुताबिक अफजल की फांसी में हुई चूक की वजह से ऐसा फैसला लिया गया है, क्योंकि अफजल की फांसी का खत उसके परिजनों को लेट से पहुंचा था और यही वजह है कि ऐसी गलती से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 8 लोगों की फांसी पर अंतरिम रोक लगाई है। इन अपराधियों में 3 हरियाणा के हैं, जिन्हें अगले कुछ दिनों में फांसी होनी थी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने लंबित पड़ी दया याचिकाओं पर बड़ा आदेश दिया। उन्होंने फांसी की सजा पाए 9 गुनहगारों की दया याचिका पर फैसला सुनाया। ये सभी सजा पाने वाले 9 आरोपी 7 अलग अलग मामलों में दोषी पाए गए थे। 7 में से 5 मामलों पर राष्ट्रपति ने फांसी की सजा को बरकरार रखा, जबकि 2 मामलों में फांसी को आजीवन कारावास में बदल दिया। ये सभी दोषी देश की अलग अलग जेलों में बंद हैं। कानूनी आधार जो इस केस का है वो ये है कि ये सारे केसेस में कुछ 8 साल की डिले है प्रेसिडेंट का ऑर्डर आने में, कुछ 9 साल का डिले है। तो प्रेसिडेंट देर करने में करने के कारण इसमें केस का ये लीगल आर्ग्यूमेंट ये है कि देर होने के कारण से इसका जो मौत की सजा दिया उसको उसके बजाय लाइफ इन प्रिजन में। सुरेश और रामजी इलाहाबाद की नैनी सेंट्रल जेल में बंद हैं। इन दोनों ने अपने 5 रिश्तेदारों की हत्या की थी, तो गुरमीत भी इनके साथ ही बंद है। गुरमीत ने अपने ही परिवार के 13 सदस्यों की हत्या की थी, जबकि प्रवीण कुमार कर्नाटक की बेलगाम जेल में बंद है। सुंदर से उत्तराखंड के नैनीताल जेल में बंद है, जबकि जफर अली यूपी की जेल में बंद है, जिसने अपनी पत्नी समेत 5 बेटियों का मर्डर किया था। हरियाणा के भी 3 गुनहगारों की दया याचिका राष्ट्रपति ने खारिज की है। हरियाणा के पूर्व विधायक रेलूराम पूनिया की बेटी सोनिया और दामाद संजीव अम्बाला की सेंट्रल जेल में बंद हैं। आपको बता दें कि ये तस्वीरें कुछ साल पहले की है। सोनिया और संजीव ने रेलूराम पूनिया समेत परिवार के 8 सदस्यों की हत्या की थी। साल 2007 में इन दोनों को दोषी ठहराया गया था, तो रेप और हत्या के आरोपी धर्मपाल को 15 अप्रैल को फांसी पर लटकाया जाना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन गुनहगारों की फांसी पर कुछ दिनों के लिए रोक लगाई है, जिससे इनकी मौत कुछ और दिनों के लिए टल गई। पीपल यूनियन डेमोक्रेटिक राइट्स नाम के एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिस पर 2 जजों की बेंच ने सुनवाई करते हुए फांसी पर रोक लगाने का आंशिक आदेश दिया, ताकि आधिकारिक तौर पर फांसी की जानकारी इन दोषियों के परिजनों को मिल सके। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक अफजल गुरु की फांसी के मामले में हुई गलती को दोहराना नहीं चाहिए। यही वजह है सुप्रीम कोर्ट ने इन गुनहगारों की फांसी पर अंतरिम रोक लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सोनीपत के धर्मपाल की फांसी भी फिलहाल चल गई है। उस अम्बाला की जेल में 15 अप्रैल को से फांसी होनी थी और उसकी दया याचिका राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने खारिज कर दी है। तो रेलू राम पुनिया केस में फांसी की सजा पाने वाली सोनिया भी आजाद भारत की पहली ऐसी महिला है जिसे फांसी पर लटकाया जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इन गुनहगारों की फांसी पर 4 सप्ताह का स्टे लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक इस अवधि में इन गुनहगारों के परिजनों को इनकी फांसी के बारे में सूचित करना होगा। दया याचिका खारिज होने के बाद सबसे पहले रेप और हत्या के आरोपी धर्मपाल को फांसी दिए जाने का फैसला लिया गया। धर्मपाल को 15 अप्रैल को अम्बाला के सेंट्रल जेल में फांसी होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उसकी फांसी टल गई है। धर्मपाल के फांसी पर 4 सप्ताह का स्टे लगा है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक इस अवधि में धर्मपाल के परिजनों को उसकी फांसी के बारे में सूचित करना होगा, लेकिन धर्मपाल के पिता चंद्र सिंह कहते हैं उसका बेटा 20 साल की सजा काट चुका है और अब उसे माफ कर देना चाहिए। अगर तुम भी बर्बाद हो जाओगे, ये काम ही उजे तो है। अब
हम माफी चाहते हैं, सजा तो काट चुका है, तो ये अपील करता हूँ मेरे बेटे को रही करा जाए। राष्ट्रपति के दरबार से दया याचिका खारिज हो चुकी है, बावजूद इसके धर्मपाल के परिजन उसके बचाव में दलील पेश कर रहे हैं। धर्मपाल के भाई का बयान भी सुन लीजिए। 2 लाख रुपए चल लेगी लड़कियों की शादी के लिए उधारे दिए थे, पैसे मांगने लग गया, उस पर बलात्कार का केस लगा दिया। फिर हमने सोचा बाद कुछ दिन के बाद इसकी 10 साल की सजा हुई थी, अगर भाई चलो उसको दर्जा का इसकी शादी कर देते हैं, शादी के लिए इसको पैरल पर ले आए थे। पैरल पर आने के बाद इसने चल ले, फिर पैसे मांगे, परिवार तेरी शादी कर रहा है तेने पैसे चाहिएंगे, उसने इनकार कर दिया और उसने इसकी रिपोर्ट दे दी। इसने 23 उम्र के और जो है ये काम कर दिया। अब हमारी भारत सरकार से, हरियाणा सरकार से, महामहिम राष्ट्रपति से एक छोटी ही विनती है, अगर ये अपने किए कि सजा तो भुगत चुका है और इससे बड़ी सजा क्या होगी, जो आदमी 20 साल से जेल के अंदर पड़ा है, आ जा। और तो इसलिए हमारी ये विनती है कि भाई इसको माफ किया जाए। धर्मपाल का अपराध बेहद संगीन था, ऐसे में उसकी फांसी पर उसके परिवार के अलावा कोई अफसोस नहीं करेगा। 2001 में हुए रेलू राम हत्याकांड में सोनिया और उसके पति संजीव की फांसी भी फिलहाल टल गई है। सोनिया आजाद भारत की पहली महिला है जिसे फांसी पर लटकाया जाएगा। सोनिया और उसके पति संजीव का गुनाह रेयर टू रेयर केस की श्रेणी में आता है। सोनिया ने अपने माता पिता समेत परिवार के 8 लोगों की हत्या की थी और उसे इस मामले में दोषी ठहराया गया था। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरनी के साथ सुनील छिकारा, MH1 न्यूज, सोनीपत।